सुप्रभात बच्चों, पाठ एक हिमालय और हम। आज हम इस पाठ के आगे की पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। अर्थात शाम के समय हिमालय की छाया सागर के समान दिखाई देती है और सुबह के समय गंगा की चादर के समान दिखती है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। अर्थात इसकी घाटियों में बसे देश राज्य शहर आदि हरे भरे और सभी प्रकार से समृद्ध बने रहते हैं। यहाँ का मौसम यहाँ के निवासियों के लिए नया संदेश लेकर आता है। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अर्थात इसके पैरों को अर्थात हिमालय के पैरों को छू लेता है, यानी जो एक बार भारत देश में आ जाता है वह हमारी संस्कृति और परंपरा का गुणगान किए बिना नहीं रहता। कुछ इसी तरह का रिश्ता हिमालय का भारत और भारतवासियों से जुड़ गया है। बच्चों अब आप देखिए आगे की पंक्तियाँ। जैसा यह अटल अडिग अविचल है वैसे ही हैं हम भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। अर्थात कवि कहते हैं कि भारतवासी हिमालय की तरह ही अडिग और अविचल हैं। जब तक धरती पर हिमालय का अस्तित्व रहेगा और तब तक भारत और भारतवासियों का भी अस्तित्व बना रहेगा। अर्थात जब तक हिमालय है तब तक हम भारतवासी भी रहेंगे। आगे की पंक्तियाँ देखिए। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। कि कोई भी शत्रु हमें ललकारने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि न तो युद्ध से और न ही कोई दुख देकर हमें हरा सकता है। गंगा का जल जो पी ले वह दुख में भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अर्थात जिस किसी ने भी गंगा का अमृत समान जल पी लिया हो वह हर दुख की घड़ी में भी मुस्कुराता है, चाहे उसके सामने कितने भी दुख या परेशानी आ जाए वह हर दुख की घड़ी में भी मुस्कुराता हुआ उन मुसीबतों का सामना कर लेता है। कुछ ऐसा ही संबंध हिमालय का भारत के साथ बना हुआ है। बच्चों आज हमने पाठ की जो भी पंक्तियाँ समझी हैं इन्हें आपको याद करना है और इस पाठ से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन्हें आपको अच्छी लिखावट के साथ करना है। आगे का पाठ हम आगे की कक्षाओं में पूरा करेंगे। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।